जैसे ही लेखक को लेने के लिए क्या आती है, एम्बुलेंस आती है जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो एम्बुलेंस क्या है, खाली वापस लौट जाती है, क्योंकि जो लेखक है वो दूसरे जिले में गिरा था और जो एम्बुलेंस थी वो दूसरे जिले की थी। जो ड्राइवर के साथ जो एक अधिकारी आता है उनसे वो कहता है कि बाबू जो है आप मेरे लिए क्या कर, जब एम्बुलेंस वापस लौट जाती है तो उनसे कहता है कि आप मेरे लिए क्या कर दो, एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दो, मैं उसी में बैठकर कहाँ चला जाऊंगा, अपने शहर जान जहाँ का वो रहने वाला था यानी प्रतापगढ़ चला जाऊंगा, मैं और मेरी मोटरसाइकिल को उस बैलगाड़ी में रखकर ले जाऊंगा। अगला पेज, पेज नंबर 26। वह बोला आपको प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ पर भाई मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जा सकती है, क्यों भाई? वो कहता है कि मैं आपको तो क्या, जो बाबू उसके साथ आया था जो सरकारी अधिकारी था वो आया था, वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें तो प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ लेकिन जो तुम्हारी मोटरसाइकिल है उसको नहीं भेज सकता। वो किस जिले में गिरी थी, क्योंकि वो इलाहाबाद में गिरी थी और जिस नाली में लेखक गिरा था वो कौन से जिले में थी, प्रतापगढ़ जिले में थी, तो कहते हैं कि मैं तुम्हें तो क्या कर सकता हूँ, प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ लेकिन जो मोटरसाइकिल है वो आपके साथ नहीं जा सकती। इसलिए भाई कि तुम जिस नाली में पड़े हो वह तो प्रतापगढ़ में है और मोटरसाइकिल जहाँ पड़ी है वह जमीन इलाहाबाद जिले की है, मोटर बीमा वाले इलाहाबाद से आकर इसे ले जाएंगे, यानी कि इसको जो मोटरसाइकिल है वो इलाहाबाद जिले में गिरी है तो जो इलाहाबाद जिले के जो बीमा अधिकारी है जो अफसर हैं वो ही आकर इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे, और तुम प्रतापगढ़ जिले में गिरे हो तो तुम्हारा इलाज क्या होगा, प्रतापगढ़ जिले के अस्पताल में ही होगा और वहीं की एम्बुलेंस तुम्हें आकर ले जाएगी, इसकी मरम्मत इलाहाबाद में होगी, आपकी प्रतापगढ़ में होगी। मैं प्रतापगढ़ भी नहीं जा पाया, लंबे चौड़े चेहरे वाले उस आदमी का नाम भारती जी था, यानी जो भीड़ में वो जो आदमी था उसका नाम क्या था, भारती जी था। भारती जी मुझे अपने घर ले आया, यानी वो जिस हालत में था और दर्द से क्या कर रहा था, कराह रहा था, उसका एक हाथ भी टूट गया था, एक पैर की हड्डी भी टूट गई थी, कंधे में भी चोट आई थी, इस कारण से वो क्या है कि अपने जो जिला है प्रतापगढ़ नहीं जा सकता था, इस कारण जो भारती जी क्या करे उसे अपने घर पर ले आए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते और उनकी गाड़ी वापस लौट कर नहीं आ जाती तब तक वे कहाँ रुकते हैं, भारती जी के घर पर ही रुकते हैं। घर नाली के पास ही था, बोले आप इस वक्त प्रतापगढ़ जाने की हालत में नहीं है, यानी आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप क्या करो प्रतापगढ़ जा सको, आपका इलाज यहीं करा दूंगा, यानी आपके इलाज जो है मैं यहीं पर करा दूंगा, आपकी दुर्घटना के कारण क्या है कि आपकी हालत ठीक नहीं है और आप प्रतापगढ़ नहीं जा सकते, इसलिए मैं आपका इलाज यहीं पर इलाहाबाद में ही करवा दूंगा, आपकी मोटरसाइकिल मैंने इलाहाबाद के बीमा ऑफिसर के हवाले कर दी है, आप यहीं रहकर तंदुरुस्ती और आराम से मोटरसाइकिल का क्या कीजिए, इंतजार कीजिए, यानी जो भारती जी उनसे कहते हैं कि मैंने जो आपकी मोटरसाइकिल थी वो किसको, जो बीमा ऑफिसर था जो बीमा अधिकारी था उसके हवाले कर दिए, जब तक आपकी मोटरसाइकिल सही होकर वापस लौट कर नहीं आती और आप भी ठीक नहीं हो जाते तब तक क्या कीजिए, आप इलाहाबाद में यानी मेरे घर पर ही रहिए और अपनी गाड़ी का इंतजार कीजिए। मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा, चाय मिल सकती है? वह अकेले आदमी थे, उन्होंने मुझे रसोई घर का रास्ता बता दिया, जैसे ही उन्होंने पूछा क्या पीने के लिए चाय मिल सकती है तो उन्होंने क्या बता दिया, रसोई घर बता दिया कि जाकर रसोई में जाकर क्या करो, चाय बना लो। कराहता लुढ़कता टटोलता हुआ, यानी देख तो चोट के कारण क्या हो रहा था, उसे दर्द हो रहा था, तो दर्द से चिल्लाता हुआ धीरे धीरे जैसे तैसे वो रसोई के वहां पहुंचा। मैं जब वहां जाकर अपनी चाय बनाने लगा तो ड्राइंग रूम से भारती जी की आवाज आई, एक प्याला चाय मेरे लिए भी बना लीजिए। प्याले झूठे पड़े थे, पहले उन्हें साफ कर लेना, यानी कि जब रसोई में गए जैसे ही उन्हें भारती जी ने भी बाहर से आवाज लगाई कि एक कप चाय क्या करना मेरे लिए भी बना लेना, और वो देखते हैं कि जो प्याले हैं जो कप है वो सब क्या है वहाँ पे झूठे पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा उनको साफ किया और फिर चाय बनाई और दोनों के लिए चाय लेकर बाहर आए। इसके बाद मेरे और भारती जी के रिश्ते साफ हो गए, उन्होंने जरा को बुलाकर मेरे जिस्म में कुछ खपच्चियाँ बंधवाई,
मैं रोज उनके प्याले साफ करने लगा, चाय बनाने लगा, फिर उनका खाना भी। यानी कि धीरे धीरे उन दोनों के जो रिश्ते में क्या थी, धीरे धीरे मधुरता आने लगी। और जो भारती जी थे, उन्होंने जरा, यानी जो पहलवान वगैरह होते हैं ना, हड्डी टूट जाती है, उनको बुलाया जाता है, एक तरह से देसी जो इलाज रहता है उसको बुलाया जाता है। तो उसको बुलाकर क्या करते हैं, जहाँ उनके हाथ की हड्डी टूटी थी और पैर की हड्डी टूटी थी, पतली पतली लकड़ी की खपच्चिया होती है, उसके सहारे से उसको बांध देते हैं और उससे क्या होता है, उसका इलाज किया जाता है। तो जरा को बुलाकर क्या करते हैं, उनके शरीर पर खपच्चिया बनवाई, यानी उनके इलाज के लिए जरा को जो देशी विधि से क्या होता है, इलाज करना होता है। उन्होंने जरा को बुलाकर मेरे जिस्म में कुछ खपच्चियां बनवाई, देसी विधि से चीरफाड़ करने के इलाज करने वाले जो होते हैं, यानी उसको बुलाकर, या देसी विधि से जो इलाज करने वाले वेद होते हैं उनको बुलाकर उन्होंने क्या करा, उनका इलाज करवाया। और जहाँ हड्डियां टूट गई थी वहां पर पतली पतली खपच्चियां बांधकर उसकी हड्डियों के लिए क्या किया गया, जैसे अभी प्लास्टर वगैरह छड़ता है उस टाइम क्या करते हैं, वो बांस की जहाँ से हड्डी टूटती है लकड़ियां लगा देते हैं और उसको उसके ऊपर पट्टी कर देते हैं, ताकि हड्डी क्या हो, वहीं पर सेट हो जाए। यानी वो जर्रा को बुलाकर उसका इलाज करवाते हैं। मैं रोज, अब वो धीरे धीरे क्या करने लगे, चाय बनाने लगे, उनके बर्तन भी साफ करने लगे और धीरे धीरे उनका खाना भी बनाने लग गए थे। इस तरह भारती जी की सेवा और मोटरसाइकिल का इंतजार करते हुए 1.5 महीना बीत गया। यानी 1.5 महीना हो चुका था उनका जो एक्सीडेंट हुआ था उसको हुए। एक दिन इलाहाबाद का बीमा ऑफिसर मेरी मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ। गाड़ी का कायाकल्प हो चुका था। यानी गाड़ी क्या है, जैसे ही बीमा ऑफिसर क्या है, उनकी गाड़ी लेकर कहाँ आता है, भारती जी के घर पर आता है। और गाड़ी क्या एकदम नई हो गई थी, यानी पूरी तरह से क्या हो गई थी, वो बदल चुकी थी। कायाकल्प का खर्च बीमा वालों ने ही उठाया था। यानी जो गाड़ी में जो भी खर्चा हुआ था, गाड़ी एक्सीडेंट में जो हो गई थी, टूट गई थी, फिर बीमा अफसर जो है, बीमा अधिकारी उसको ले जाते हैं और उसका क्या करके लाते हैं, ठीक कर कर लाते हैं। उसको ठीक करने में जो भी खर्चा होता है, वो सारा खर्चा जो है वो बीमा वाले ही उठाते हैं। खर्च में कुछ फर्जी चीजें जोड़कर उन्होंने एक अच्छी खासी रकम भी निकाल ली थी। यानी कि क्या है, उन्होंने खर्च में कुछ फर्जी चीजें जोड़कर, यानी कुछ चीजें उसमें ऐड कर जोड़ करके क्या कर ली थी, उन्होंने कई राशि भी प्राप्त कर ली थी। अब जो उनको राशि प्राप्त हुई थी, उनको क्या करा, उन्होंने आपस में बांट लिया। जो बीमा ऑफिसर था वो, और जो मिस्त्री थे जिसने उस गाड़ी को सही की थी, और लेखक, और किसके बीच, भारती जी के बीच। यानी कि जो बीमा अफसर था, भारती जी थे, वो सब आपस में मिले हुए थे। जो बीमा अफसर क्या करता है कि जो गाड़ी ठीक करने के लिए जो खर्चा हुआ था, उसमें कुछ चीज़ें उसने और जोड़कर क्या कर ली थी, अच्छी रकम हासिल कर ली थी। अब जो उनको जो रकम मिली थी उसको क्या कर लिया, उन्होंने अपने आपस यानी चारों में बांट लिया था, मिस्त्री में, बीमा अफसर में, भारती जी में, और किस में, लेखक ने। उसका दो तिहाई मिस्त्री और बीमा अफसरों में बढ़ चुका था, एक तिहाई मेरे और भारती जी के बीच बढ़ चुका था। यानी जो उनको रकम मिली थी, मेरे सामने चमचमाती हुई मोटरसाइकिल थी, मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था, उससे मेरे कंधे का दर्द जाता रहा था, हाथ की हड्डी 1 मिनट में जुड़ गई। जब उसने देखा कि जो बीमा अफसर जैसे ही गाड़ी लेकर कहाँ, भारती जी के घर पर पहुंचता है, वो गाड़ी को देखते हैं तो उनकी गाड़ी कैसी हो जाती है, एकदम नई हो जाती है। और देखते हैं कि साथ में उनको क्या मिले हैं, कुछ रुपए भी मिले हैं। तो धीरे धीरे उनका दर्द क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यानी नोटों को देखकर उनका दर्द भी क्या होता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है। टांग की घिस्टन गायब हो गई, भारती जी ने मेरा कंधा थपथपाया, बीमा अफसर ने मुझे बधाई दी, एक व्याख्यान भी दिया। यानी कि जो बीमा अफसर थे उन्होंने उससे कुछ कहा, और भारती जी ने क्या करी, उनकी पीठ थपथपाई की, उनके क्या हुई, गाड़ी भी क्या हो गई थी उनकी, नई हो गई थी, और उनको कुछ रुपए भी मिल गए थे। उसके साथ साथ बीमा अफसर जो है, भारती जी जो है, और जो मिस्त्री है, उनका भी क्या हो गया था, भला हो गया था। यानी कि इसलिए लेखक ने क्या करा है, सरकारी तंत्र पर क्या क्या है, व्यंग किया है कि सब आपस में मिलकर क्या करते हैं, कि जो है जैसे कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है तो उसका इलाज वगैरह कराते हैं, कोई गाड़ी टूट जाती है, बीमा वाले उसको ठीक कराते हैं, तो उसमें क्या कर लेते हैं, कुछ अलग से और ज़्यादा जोड़ कर क्या कर लेते हैं, पैसे हासिल
कर लेते हैं और उन्हीं पैसों को क्या कर लेते हैं, वो आपस में बांट लेते हैं। फिर उन्होंने, जो बीमा अफसर था, उन्होंने कहा जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत रहिए, अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद जिले में गिरिएगा, प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं, इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे, आपकी मोटरसाइकिल के साइज चाहे 100 टुकड़े हो जाएं, मैं इसका फिर से कायाकल्प कर दूंगा। और आप अपनी फिक्र तो करें ही नहीं, आपकी सारी दिक्कतें यानी परेशानी जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे, आपको हमारी टेरिटरी में कभी कोई परेशानी न होगी, एक्सीडेंट में आप मर भी जाएं तो कोई बात नहीं, यकीन माने आपके मर जाने पर हम बीमा वाले आपके घर वालों को मालामाल कर देंगे। मैंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ सोचा मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरी मोटरसाइकिल की है, यानी कि जो बीमा अफसर रहता है उनको क्या उनकी जो गाड़ी ठीक करा कर देता है वापस लौट आता है और कुछ पैसे भी उनको देता है, तो तब उनसे कहता है कि अब की बार जब भी दुर्घटना हो तो इलाहाबाद में ही आपकी दुर्घटना हो, क्योंकि प्रतापगढ़ वालों का भरोसा नहीं है, यदि आपको कुछ भी होगा तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, हम ठीक कर देंगे, चाहे आपकी गाड़ी के कितने ही टुकड़े क्यों ना हो जाए उसको भी हम सही कर देंगे, चाहे आपकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, तो आपकी मृत्यु के बाद भी आपके परिवार वालों को इतना पैसा देंगे कि वो क्या हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ की कोई परेशानी या चिंता मत करना, हम सब क्या है आपके साथ हैं, यानी हम आपकी सारी दिक्कतें जो परेशानी है वो क्या कर देंगे, सब दूर कर देंगे। यानी कि इसमें लेखक को क्या है, दुर्घटना के कारण क्या हो जाती है, लेखक का किसी मोटर ट्रक से दुर्घटना होती है तो लेखक की गाड़ी तो कहीं और गिरती है और लेखक कहाँ गिरता है, नाली में गिरता है, जिसके कारण उसको कई चोटें भी आती हैं। जैसे ही उसको लेने के लिए क्या आती है, एम्बुलेंस लेने के लिए आती है, तो वो एम्बुलेंस वापस लौट जाती है, क्योंकि लेखक जिस नाली में गिरा था वो दूसरे ज़िले में आती थी, इसलिए वो एम्बुलेंस जो थी वो दूसरे ज़िले की, तो वो एम्बुलेंस भी उसको वापस, जैसे एम्बुलेंस वाले को पता पड़ता है कि ये नाली जो है प्रतापगढ़ ज़िले में है, तो वापस लौट जाता है। उस ड्राइवर के साथ एक जो अधिकारी है, सरकारी अधिकारी जो बीमा अफसर है, उसका नाम था भारती जी, वो आता है, तो लेखक उनसे कहता है कि आप मेरे लिए क्या कर दो, एक बैलगाड़ी की व्यवस्था कर दो, मैं उसमें बैठकर मेरी गाड़ी को लेकर चला जाऊंगा और प्रतापगढ़ में ही अपना इलाज करा लूंगा और मेरी गाड़ी क्या करा लूंगा, ठीक करा लूंगा। तो कहता है कि गाड़ी जो है ना वो तो कहाँ, प्रतापगढ़ नहीं जा सकती, क्योंकि वो कहाँ पर गिरी है, इलाहाबाद में गिरी है, इसलिए वो इलाहाबाद में ही ठीक होगी। और जो भारती जी है वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, जब तक तुम्हारी गाड़ी लौट कर नहीं आती क्या करो, तुम मेरे ही घर पर रहो। ऐसे ही 1.5 महीने बाद जब उनकी गाड़ी लौट कर आती है, जो बीमा अफसर है वो क्या करता है कि जो बीमा जो उनकी गाड़ी में जितना भी उनकी गाड़ी बिल्कुल नई होकर आ जाती है और गाड़ी में जितना भी खर्च होता है वो कौन उठाते हैं, बीमा अफसर उठाते हैं, और उसमें कुछ और चीज़ें जोड़ जोड़ कर वो क्या कर लेते हैं, कुछ और रुपए भी प्राप्त कर लेते हैं। तो वो उन रुपए को क्या कर लेते हैं, आपस में चारों में बांट लेते हैं, जैसे मिस्त्री में और बीमा अफसर और भारती जी अपने में, और बचे हुए रुपए किसको दे देते हैं, उस लेखक को दे देते हैं। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को देखकर जो लेखक ने है ना वो सरकारी व्यवस्था पर क्या किया है, व्यंग किया है। अंत में जो बीमा अफसर रहता है उनको ये कहता है कि तुम कभी भी चिंता मत करना, कभी भी तुम अपने प्रतापगढ़ के चक्कर में मत पड़ना, जब भी तुम्हारी दुर्घटना हो इलाहाबाद में ही हो हम सब ठीक कर देंगे, यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो गई तो क्या होगा, हम तुम्हारे घर वालों को बीमे के इतने पैसे दिलाएंगे कि वो क्या हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। ये सब पढ़कर ये सब सुनकर लेखक सोचता है कि मुझसे अच्छी किस्मत तो किसकी है, मेरी मोटर साइकिल की है, यानी कि क्या दुर्घटना के कारण वो टूट गई थी, नई हो जाती है और उसको वापस क्या और रुपए भी मिलते हैं, तो इसलिए सोचते हैं कि मेरे से अच्छी तो किस्मत मेरी मोटरसाइकिल की है। ये था पार्ट 5, काश में मोटरसाइकिल होता। आप लोग इसको एक बार पढ़ना, इसके शब्दार्थ भी पढ़ना।